अभी चल रहा है बट लगभग बिल्कुल बिल्कुल But why aren't you saying it? Why do you want me to understand it? The Me Too movement. Yeah. Yes. Please say it. Say it. The Me Too movement. देखिए सही समय तो तब से था जब से औरतें दुनिया में आई. सही समय अब या कल या परसों नहीं है. If at all we are delayed. But I am very proud of everyone. And it's not a gender bias about women alone. I think the fact that our society, our people, you know, they're all standing up to express themselves, to have a voice, is so powerful that in my lifetime I got to see that. Makes me very, very proud as a woman and as a human being for my country. But the things, kuch kuch shocking bhi rahi hai, aapko lagta hai, jis tarah se cheezein aayi, jin cheezon ke baare mein maloom chala, aapko kahin shock laga is cheez se? देखिए शॉकिंग हर बारी होगा. शॉकिंग हर बारी होगा. इट्स नॉट वेदर इट्स शॉकिंग टू अस और नॉट, बट वी आर ऑल्सो नॉट इग्नोरेंट पीपल. वी आर नॉट ब्लाइंड. इट्स नॉट लाइक वी नेवर न्यू थिंग्स लाइक दिस वर हैपनिंग इन द वर्ल्ड और इन इंडिया. बट आई थिंक वॉट इज मोर शॉकिंग इज दैट वी डिड नॉट लिसन टू इट फॉर सो लॉन्ग. दैट्स शॉकिंग टू मी. एंड वी डिड नथिंग अबाउट इट. बट राइट नाउ it's not shocking that it's coming out. I'm very proud of them. The corrective measures which are taken, jo corrective measures liye ja rahe hain, aapko lagta hai wo sahi hai, santusht hai aap, aur kya kiya ja sakta hai? Dekhiye ye ek shuruaat hai. Hame sunna padega. You have to listen, you have to believe, and you have to know a simple truth ki sachai ek ek insaan par ek jan ilzam lagaye to shayad jhoot ho. 50 लोग एक ही इंसान पे इल्ज़ाम लगाए उसमें कुछ तो सच्चाई होगी. सो यू शुड लिसन टू पीपल एंड गिव देम अ फेयर हियरिंग एंड लेट जस्टिस प्रिवेल. बट वुमेन थैंक यू मैन, वेल डन. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. एंड मैन सपोर्टिंग दैट फ्रॉम द मीडिया, फ्रॉम द अदर सोशल सेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री. अबाउट टाइम मैन, अबाउट टाइम. वेल डन. थैंक यू सो मच. कैन वी हैव द लाइट्स ऑफ फॉर अ मिनट? Can we have the lights off for a minute? Yes, can we have all the lights off? Aur jis tarah se Me Too movement ki kaha jaa raha hai, aur jis tarah se log aa rahe hain, jis tarah se logon ka naam aa raha hai, parliament mein bhi ek par bhi hai, jiska bhi naam aaya tha, to kaise aap unka support karte hain CJ movement ko lekar, kya kehna chahenge? Ji, maine unko bola that I'm very happy and proud, and I feel abhi sachai samne aa rahi hai, truth is coming out and people are accepting. The society, their mind setup is opening up, and it's a great change. I'm so happy. Finally, we can get justice, and you know, it's a very fortunate thing, you know. And I'm just so so happy and overwhelmed that you know finally people are talking and speaking up. मुझे हर्ट भी करता है कि इतना कुछ सहा उन लड़कियों ने एंड उस टाइम पे वो बोल नहीं पाई. बट एक टाइम एक तरफ मुझे बहुत प्राइड भी महसूस होती है कि यू नो कि उनमें इतना करेज अब आया है कि वो इतने बड़े बड़े नाम ले रही हैं. आई थिंक कि हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए. आई एम वेरी हैप्पी दैट ये स्टार्ट हुआ है. एंड आई थिंक और भी नाम आने चाहिए. अगर किसी के साथ कुछ भी हुआ है दे शुड स्टेप अप बिकॉज वी ऑल आर विद देम. मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा मूवमेंट यहाँ पे शुरू हुआ है. मैं चाहती हूँ कि ये जारी रहे और जो भी कहानियाँ हैं हम उनको गौर से सुने, क्योंकि हमें सुनना बहुत ज़रूरी है. बहुत साल हम लोगों ने इन लोगों की आवाज़ें दबाए रखी हैं और अब हमें उनको सुनना बहुत ज़रूरी है, और अब जाके शायद इंडस्ट्री में एक सफाई आएगी. Yes. Yes.
मी टू मूवमेंट एंड आई फील कि ये बहुत अच्छी चीज़ है. बहुत टाइम से ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी, एक ऐसे मूवमेंट की ज़रूरत थी एंड आई एम ग्लैड दिस इज़ हैपेंड. बट आई ऑल्सो फील कि हमको इस मूवमेंट को बहुत रिस्पॉन्सिबली यू नो देखना चाहिए एज सिटीजन्स, बिकॉज 10 लोग गलत होंगे तो हो सकता है कि एक सही भी हो. तो आई जस्ट फील कि मीडिया इन्वॉल्वमेंट इतना है ना कि हम लोगों को बहुत इजीली जज करने लग जाते हैं. आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ मीडिया में आई है उसे जज ना करें. प्लीज़ वेट अंटिल यू हैव ऑल द फैक्ट्स एंड मे बी देयर लॉट ऑफ पीपल आर रॉन्ग बट मे बी देयर समबडी हु इज नॉट, सो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल दैट. थैंक यू सो मच. थैंक्स गाइज.